इस मिठाई को देखिए, ये मैंने घर पर बनाई है। ना ही इसमें मैदे का यूज़ किया है, ना मिल्क पाउडर, ना खोया, ना कंडेंस मिल्क, ना ही दूध को घंटों पकाना। बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और खाने में एकदम लाजवाब। तो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। हेलो दोस्तों, इजी फूड किचन में आपका स्वागत है। मिल्क केक बनाने के लिए देख सकते हैं मैंने ली है रोटी। तो सबके घर का ना खाने का टेस्ट अपना अपना होता है, कोई मोटी रोटी बनाता है, कोई पतली। तो ये मीडियम है, मतलब पतली नहीं है, उससे थोड़ी सी भारी रोटी ही बनाई है मैंने। और 4-5 घंटे बासी रोटी लेनी है, ऐसा नहीं है कि मिल्क केक बनाना है और ताज़ी ताज़ी रोटी बनाकर बैठ जाएं। तो 2 मीडियम साइज़ की रोटी मैंने ले ली है, जो 5-6 घंटे पहले मैंने बनाई थी। और आप अगर बहुत पतली बनाते हैं ना, तो 3 रोटी ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने अब एक जार लिया है और इसमें इन रोटियों को हम तोड़कर डाल लेंगे और इनको मिक्सी कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। रोटी को मैंने मिक्सी कर लिया है। तो अब हम चलेंगे गैस की तरफ। यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है, कोई कढ़ाई ले, कोई पैन ले, कोई भी बर्तन ले लें, हमें रोटी को भूनना है। तो गैस की फ्लेम को मैंने लो मीडियम किया हुआ है और जो सारा मिक्सचर है इसमें डाल दिया है। बीच बीच में चलाते हुए इसे भूनना है। इसका कलर भी चेंज होगा और जब ये भुन जाएगा ना, तो आपको स्मेल आने लग जाएगी। जैसे रोटी भुनती है, आटा भुनता है ना, उस तरह की स्मेल आएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो ये मिक्सचर है ये अच्छे से भुन गया है। मैंने 1 चम्मच देसी घी इसमें डाला है। वैसे ये ऑप्शनल है, पर क्या होता है ना, किसी भी मिठाई में जब हम देसी घी डालते हैं ना, तो उसका टेस्ट थोड़ा बढ़ ही जाता है। तो वैसे ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डाल लीजिए, पर 1 चम्मच घी है ना, तो क्या जाता है, तो मतलब मैंने डाल लिया। यहाँ पर गाइस मुझे ना इसकी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, मतलब मेरी किचन में आटे भुनने की अच्छी स्मेल हो गई है। और अब मैं डाल रही हूँ 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट, मतलब नारियल का बुरादा। तो अगर आपके पास ये नहीं है, तो जो फ्रेश वाला जो गोला होता है ना, जिसे हम टिक्का करते हैं और गोला होता है, उसको कस के वो डाल लीजिए। अगर वो नहीं है तो आप आधा कप, अगर वो नहीं है तो आप 1/2 कप मिल्क पाउडर डाल लीजिए। पर ये इनमें से कोई ना कोई चीज़ आप ज़रूर डालें, क्योंकि जो आटे का टेस्ट है ना, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए। मिल्क केक बना रहे हैं तो आटे का जो टेस्ट आएगा वो अच्छा नहीं लगेगा। उसको दबाने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ का यूज़ करना है। तो मैंने नारियल का बुरादा इसमें डाल लिया है। फिर से हम कुछ देर चलाते हुए लगातार भूनेंगे। अब मुझे मिक्सचर भुनने की बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है, तो इस स्टेज पर मैं गैस को बंद कर दूंगी और मिक्सचर को हम ठंडा करके इसको मिक्सचर जार में डाल लेंगे। इसे मैं दोबारा से पीसने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसे दोबारा से पीस लिया है और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल ही बारीक पिसा है। जो पहले नहीं पिसा था ना बारीक, वो अब पिसा है। तो इसीलिए हम इसको भूनते हैं, ताकि ये अच्छे से पिस जाए। अब मैंने सेम पैन को गैस पर रखा है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप चीनी। हमें चीनी को मेल्ट करना है, तो इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लें। और चीनी मेल्ट होने से पहले ही हमें इसमें दूध डालना है। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे चीनी पिघल रही है। तो चीनी को बहुत अच्छे से पिघला के नहीं पकाना है, वरना ये ठोस हो जाएगी, मतलब जम जाएगी। तो देख सकते हैं ये चीनी पिघल रही है। बस इस स्टेज तक ही हमें चीनी को पकाना है। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। तो इसमें मैं 2 कप दूध डालने जा रही हूँ। ये 1 कप और 1 कप और। तो मैंने ये फुल फैट मिल्क लिया है। आप कोई भी दूध ले लें जो आपके घर में आता हो, लेकिन कोशिश करें दूध गाढ़ा हो, तो ज़्यादा अच्छी मिठाई बनेगी। अब हम इसे लगातार चलाएंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी इलायची
चार से पांच इलायची ली थी, उसको कूट कर डाल दिया था। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, और इलायची मैं हमेशा कूट कर ही डालती हूँ। जो बाज़ार वाला इलायची पाउडर आता है वो मुझे पसंद नहीं आता। और साथ ही मैंने डाल दिया 2 से 3 चम्मच मलाई, मेरे पास फ्रिज में रखी थी तो मैंने इसमें वो डाल दी है। आपके पास हो तो डाल लीजिए, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। 5 मिनट दूध को पकते हुए हो गए हैं, तो मैं इसमें अब डाल रही हूँ 1/4 चम्मच नींबू का रस। 1/4 चम्मच ही डालना है, हमें दूध को बहुत अच्छे से नहीं फाड़ना है। बस दूध का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा दानेदार होना चाहिए, जो मिल्क केक के लिए परफेक्ट रहता है। तो 1/4 चम्मच नींबू का रस डालने के बाद इसको फिर से हम चलाएंगे, और आपको दिखेगा कि जो इसका टेक्सचर है वो थोड़ा सा फटाफटा सा हो जाएगा, तो वही टेक्सचर हमें चाहिए। बस अब हम वो पिसी हुई रोटी का जो मिश्रण था इसमें डाल देंगे। ये जो बचा हुआ था वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ, और फिर से हम इसे चलाते हुए पकाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर लीजिए। धीरे धीरे दूध गढ़ता रहेगा, पकता रहेगा, और मिश्रण काफ़ी गाढ़ा होता रहेगा, और एक स्टेज पर वो पैन को छोड़ने लग जाएगा। तो तब तक हमें इसे चलाना भी है और पकाना भी है। ये देखिए मिश्रण गाढ़ा हो रहा है ना। धीरे धीरे मिश्रण पैन को छोड़ रहा है अभी ना, लेकिन ये काफ़ी उदासी लग रही है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 कप चीनी। चीनी डालने के बाद जो हमारी मिठाई है उसको एक बहुत अच्छी सी शाइनिंग भी मिलेगी, और जो उसका कलर है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, जैसा मिल्क केक का होता है ना वैसा ही। तो इसे डालने के बाद फिर से हम चलाएंगे, क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है तो थोड़ा सा टाइम उसको भी गढ़ने में पकने में लगेगा। यहाँ पर मैंने एक डब्बा लिया है, ये प्लास्टिक का डिब्बा है चकोर, जिसमें को मैंने ना घी से ग्रीस कर लिया है। आप कोई भी स्टील का ले लें, रेक्टेंगल ले लें, जो भी आपके पास हो वो ले लें। और अब आते हैं हम गैस पर, और ये देखिए कितनी सुंदर हो गई है हमारी मिठाई। इसका जो कलर है, इसके चेहरे पर एकदम रौनक आ गई है चीनी डालने के बाद। लेकिन चीनी लास्ट में ही डालनी है, जब अच्छे से जो हमारा मिश्रण है वो पक जाए, गाढ़ा हो जाए, उसके बाद हम चीनी डालेंगे। उसके बाद ना थोड़ा भूनना मुश्किल रहता है, तो जब अच्छे से भून जाए तभी चीनी का यूज़ किया जाता है। बस, और आप देख सकते हैं ये किस तरह से पैन को छोड़ रही है, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे। इसे मैं डब्बे में पोर कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई डब्बा नहीं भी है ना, तब भी आप कोई स्टील की थाली में इसे रख कर ना मनचाही शेप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। स्पैचुला से इसको थोड़ा सा इवन कर देती हूँ, एक समान हो जाएगी सारी जगह से। बस अब हम इसको ढक देंगे और 15 से 20 मिनट रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ देंगे, जिससे इसकी ना शेप थोड़ी सी सेट हो जाएगी और इसको निकालना आसान रहेगा। मैंने इसे ढक दिया है, 15 मिनट हो चुके हैं गाइस, तो साइड से थोड़ा सा स्क्रैप कर लेती हूँ। मिल्क केक बनाने जा रहे हैं तो शेप भी वैसी देनी पड़ेगी ना, तभी तो अच्छा लगेगा देखने में। वाओ, ये देखिए कितना परफेक्टली ये बाहर आई है, देखने में ही इतनी सुंदर लग रही है, और जब खाओगे ना तो इसका टेस्ट लाजवाब होने वाला है। अब मैं इसे काट रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बनती है, एकदम मुंह में घुलने वाली। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको ये पसंद आई कि नहीं आई। पसंद आई तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। पर मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।